दोस्तों, भगवान राम भारत की पहचान है और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि भारत के कण कण में राम बसते हैं। अगर भारत से सबसे हिट शोज की बात करें तो वो भी रामायण ही है, जिसे बड़े बूढ़ों ने तो क्या बच्चे बच्चे ने भी देखा है। लेकिन क्या आपको पता है रामायण को एक बार भारत में बैन कर दिया गया था? क्या बात कर रहे अरे बाबा, अरे अरे हैरान मत होइए, क्योंकि मैं यहाँ रामायण सीरियल नहीं बल्कि रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम एनिमेटेड मूवी की बात कर रहा हूँ, जिसे एक समय भारत के अंदर तगड़ी कॉन्ट्रोवर्सी झेलनी पड़ी थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस वजह से इस मास्टरपीस को भारत में बैन का सामना करना पड़ा था। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम के बारे में नहीं सुना है, उन्हें बता दूं कि ये हिंदू एपिक रामायण पर बनी एक एनिमेटेड मूवी है, जिसे फेमस जापानीज डायरेक्टर युगो साको और भारत के राम मोहन द्वारा बनाया गया था। अब दोस्तों, वैसे तो ये फिल्म कभी भी ऑफिशियली भारत में बैन नहीं हुई है, पर फिर भी एक समय हो रहे जबरदस्त विरोध की वजह से इसके मेकर्स ने भारत के अंदर इसके रिलीज को रोक दिया था, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का मानना था कि इसमें भगवान राम और कई दूसरे कैरेक्टर्स को कुछ इस तरह से पेश किया गया है कि उससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही थी। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस फिल्म का विरोध साल 1992 से ही शुरू हो गया था, क्योंकि उसी साल इसे भारत के अंदर रिलीज किया जाना था, मगर जब बजरंग दल ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इसे इंडिया में बैन करने की डिमांड रखी, तब इंडियन गवर्नमेंट ने थिएटर्स के मालिकों से कहा कि वह इस फिल्म की स्क्रीनिंग ना करे, जिसके बाद ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज ही नहीं हो पाई। अब दोस्तों, शायद ही आपको मालूम हो कि उस समय इस फिल्म को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब इसमें सिर्फ राइट विंग नेशनलिस्ट ग्रुप्स ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स कूद पड़े थे, जिसके बाद ये एक नेशनल इश्यू बन गया था। खैर, अब रीजन चाहे जो भी रहा हो, पर क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके रिलीज को रोकने की बात कही थी, इसलिए सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी भारत सरकार की आलोचना हुई थी, क्योंकि कई लोगों को लगता था कि गवर्नमेंट इस फिल्म के रिलीज को रोककर फ्री स्पीच का वायलेशन कर रही है। वैसे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सरकार के इस कदम को सही माना था, क्योंकि उनके मुताबिक भगवान राम में भारत के लोग इतनी ज्यादा श्रद्धा रखते हैं कि वो उनके कैरेक्टर के साथ होने वाले थोड़े से भी खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और सड़कों पर उतर आएंगे, जिससे दंगे शुरू होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आज तो भगवान राम के ऊपर बहुत सी एनिमेशन मूवीज बनती है, तो फिर इन पर अब विवाद क्यों नहीं होते और पहले ऐसा क्या था जिसके चलते इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज को रोकना पड़ गया था? वेल, देखो, जिस समय रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम को रिलीज किया गया था, ठीक उसी समय इंडिया ना सिर्फ एक बड़े धार्मिक ध्रुवीकरण के से गुजर रहा था, बल्कि तब इंडिया में हिंदू और मुस्लिम के बीच टेंशन अपने चरम सीमा पर थी। अगर ऐसे टेंशन के बीच ये मूवी इंडिया में रिलीज होती, तब पक्का इससे कोई ना कोई बड़ा दंगा तो हो ही जाता, क्योंकि साल 1992 वही साल है जिसमें रामलला के नगरी अयोध्या में हिंदुओं द्वारा विवादित ढांचे यानी कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। अब दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट का मानना था कि जिस जगह बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, वह जगह भगवान राम का जन्म स्थान है, जहां पहले मंदिर हुआ करता था। लेकिन मुगल आक्रांता बाबर ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए वहां पर मस्जिद बना डाली। अब इस बात से ये तो सीधे तौर पर क्लियर हो रहा था कि अगर उस समय इस मूवी के अलावा भगवान राम को लेकर कोई दूसरी मूवी भी आती, तब उसे भी इसी तरह के विरोध झेलने पड़ते, क्योंकि हाई टेंशन के बीच सभी हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स यही मान रहे थे कि इस तरह की मूवी भगवान राम की छवि को धूमिल करके अपना प्रोपेगेंडा चला सकती है, और जिसको देखते हुए इसके रिलीज को रोका जाना एक तरह से उचित भी था। अब दोस्तों, इस मूवी से उस समय विवाद के चांसेस इसीलिए भी बढ़ रहे थे क्योंकि ये सिर्फ एक इंडियन प्रोडक्शन मूवी नहीं थी बल्कि इसके प्रोडक्शन में जापान की भी हिस्सेदारी थी, जिसको देखते हुए कई क्रिटिक्स ने फिल्म क्रिएटर्स को इंडियन कल्चर को गलत तरह से पेश करने और हिंदू ट्रेडिशंस को डिसरेस्पेक्ट करने का जिम्मेदार मान लिया था। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी थे जिन्होंने इस मूवी का सपोर्ट करते हुए इसकी तारीफ में कहा था कि ये मूवी मॉडर्न ऑडियंस के लिए काफी सही है, क्योंकि इस तरह की मूवी से मॉडर्न ऑडियंस को अपने कल्चर को जानने में मदद मिलती है। अब अगर आप इस मूवी को लेकर मेरा ओपिनियन लोगे, तब मैं तो यही कहूंगा कि उस समय जिन लोगों ने भी इस मूवी को भारत में रिलीज नहीं होने दिया था, वो भी आज इसे देखकर अपने किए पर पछता रहे होंगे, क्योंकि बाद में जब ये मूवी VHS और DVD में रिलीज हुई, तब पता चला कि इस मूवी में हिंदू रिलीजियस सेंटीमेंट से लेकर इंडियन कल्चर तक हर एक चीज का ध्यान रखा गया था, जो इसे एनिमेशन लवर्स के लिए परफेक्ट मूवी बना देता है। अब इसी साल 16 जून को भगवान राम से जुड़ी एक और मूवी रिलीज होने जा रही है और उस मूवी का नाम है आदि पुरुष, जिसमें बाहुबली स्टार प्रभास ने भगवान राम का रोल प्ले किया है। लेकिन क्या आपको पता है, जब से लोगों ने प्रभास की आदि पुरुष का ट्रेलर देखा है, तब से ही वो रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि लोगों के मुताबिक जिस तरह का कैरेक्टर डिस्प्ले आदि पुरुष में हुआ है उससे कई गुना अच्छा कैरेक्टर डिस्प्ले तो आज से लगभग 30 साल पहले बनी इस एनिमेशन मूवी में ही था। अब दोस्तों रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम मूवी की सुप्रीमेसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि एक बार खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इस मूवी के बारे में बात कर चुके हैं, जो ना सिर्फ मूवी मेकर्स के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है बल्कि उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो कहते थे कि ये मूवी हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाती है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपने भी इस मूवी को जरूर देखा होगा और आपको भी ये मूवी उतनी ही पसंद आई होगी जितना कि मुझे पसंद आया था। वैसे आपने इस मूवी को कब देखा था मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके जाना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।